सो ऑल नीट 2024 एस्पिरेंट्स, वो सारे बच्चे जो 2024 में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, हेलो एवरीवन, आई एम वंदना, अ करियर साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। सो ऑल नीट 2024 एस्पिरेंट्स, वो सारे बच्चे जो 2024 में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, वो सारे बच्चे जो है सिलेबस को लेके थोड़े परेशान थे, क्योंकि सीबीएसई ने जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में कुछ चेंजेस किया है। तो बच्चे इसके लिए परेशान है कि जो एनसीईआरटी में चेंजेस आए, तो क्या वो चेंजेस हमारे नीट के सिलेबस में भी होगा या फिर वो हमें पढ़ना होगा अलग से? तो इसके लिए आप एनएमसी ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है 6 तारीख को, जिसमें कि आपका नीट 2024 का जो सिलेबस है वो आपका फाइनल कर दिया गया है कि कितने कौन कौन से कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में आएंगे, नीट के एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस से रिमूव किए गए हैं। ओके, सो इसका एक 17 पेज का एनएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। वहां से जो है आप अपने सिलेबस देख सकते हैं कि क्या कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर जो है सिलेबस में से हटाया गया है। और जो भी अभी आपके पास 7 मंथ्स है एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप ईजिली जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे सिलेबस की वजह से रुके हुए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए, इस एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या आएगा, सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी। तो वो जो है एनएमसी ने क्लियर कर दिया है। सो जो भी बच्चे 2024 में नीट की तैयारी कर रहे हैं या नीट के एग्ज़ाम देने वाले 2024 में, वो बच्चे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।